हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्ने के बारे में। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में एक्ने क्या होता है, एक्ने का क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या इलाज है। तो वीडियो में हम तीन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एक्ने जो हमारा मुहासा होता है, उसका क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या इलाज है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा मुहासा या एक्ने है, उसका क्या कॉज है और या क्या कह सकते हैं हम, क्या कारण है। तो किस कारण से एक्ने होता है या मुहासा होता है, वो जानते हैं। तो जो हमारी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन रहता है, ये मेल्स में एंड्रोजन हार्मोन रहता है, जबकि ये फीमेल्स में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण जब ये बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी में सेबेसियस ग्लैंड होती है, जो स्किन में सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑयल्स को ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करने लगती है, मतलब बनाने लगती हैं। साथ ही साथ जो स्किन्स के उन जहाँ पे ये सेबेसियस ग्लैंड बढ़ गई हैं, उसके आसपास के एरिया के जो स्किन सेल्स होते हैं, वो कैरेटीन सिक्रीट करने लगते हैं, मतलब कैरेटीन बनाने लगते हैं। ये दोनों ऑयल और कैरेटीन मिलकर जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, चाहे स्किन में पोर्स कहीं भी हो, हर जगह स्किन में पोर्स होते हैं, पर जो एक्ने होता है वो ज़्यादातर हमारे फेस पे निकलता है, मुहासे जो होते हैं ज़्यादातर चेहरे पे देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जब यहाँ स्किन के जो पोर्स होते हैं, वहाँ पे ये जाके स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं। बंद करने के कारण क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगता है। बैक्टीरिया इकट्ठा होने के कारण ये इन्फेक्शन पैदा करता है। इसके कारण क्या होता है, पिंपल्स या एक्ने या मुहासे निकल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला कारण हो गया। दूसरे कारण की बात करते हैं हम, तो दूसरे कारण में हमारा आता है प्रोपियोनियो बैक्टीरियम। तो ये जो प्रोपियोनियो नामक बैक्टीरिया होता है, ये हमारे स्किन में रहता है। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, पर जो एक्ने या मुहासे में मेन रोल प्ले करता है पिंपल्स में, वो हमारा प्रोपियोनियो बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हमारा पिंपल्स कॉज करता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट की बात करते हैं हम दोस्तों, तो हमारा जो हेयर फॉलिकल्स क्लॉग्ड बाय ऑयल्स एंडेड स्किन सेल्स, तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसमें उसका जो जब ये ऑयल्स या डेड स्किन सेल्स के द्वारा इस ये बंद की कर दिए जाते हैं या क्लॉग कर दिए जाते हैं, इसके कारण भी एक्ने या मुहासे या पिंपल्स निकलते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण, जैसे ऑयली प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना या खाना, ठीक है, कोई ऑयली क्रीम लगाना और बहुत ज़्यादा देर तक हेलमेट वगैरह या हैट वगैरह पहनना, जिसकी वजह से पसीने के कारण क्या होता है, एक्ने डेवलप हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नमी वाले एरिया में रहना, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहना। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे एक्ने में या मुहासे में या पिंपल्स में। तो बेसिकली जो साइन एंड सिम्टम्स है, ये डिपेंड करते हैं सीवियरिटी पे, पर हम कुछ यहाँ पे सिम्टम्स देखते हैं जो आमतौर पे देखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम्स देखा जाता है, वो हमारा है वाइट हेड्स। ठीक है, जो हमारे वाइट हेड्स होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, जो कि हमारे चेहरे पे ऐसे निकले होते हैं, जिसके ऊपरे पार्ट पर जो उभार रहता है, वहाँ पे वाइट कलर का जो पस रहता है, ये वाइट हेड रहता है। ठीक है, इसको हम वाइट हेड बोलते हैं। ये जो पोर्स होते हैं, ये क्लोज होते हैं, इसमें जो पोर्स होते हैं वो प्लग्ड होते हैं। ठीक है, जबकि जो ब्लैक हेड वाला हमारा होता है, इसमें ऐसे देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर आपने नाक के ऊपर ऐसे देखा होगा कि ये जो पोर्स होते हैं, वो क्या, उसमें ये जो पोर्स होते हैं, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ऐसे मतलब भरा हुआ मिलता है, ये जो पोर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं। ठीक है, ओपन रहते हैं। तीसरे जो हमारे पैप्यूल्स होते हैं, ये जो पैप्यूल्स होते हैं, ये हमारे छोटे होते हैं और रेड कलर के होते हैं। ठीक है, छोटे ऐसे रेड उबार जो रहते हैं हमारे चेहरे पे, इसे हम पैप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे से उबार और रेड कलर के रहते हैं। जबकि जो हमारा सिस्ट होता है, यहाँ पे जो पेनफुल सिस्ट के नाम से दिया है, ये जो पेनफुल सिस्ट है, यहाँ पे आपने पहली इमेज देखी होगी, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। जो पेनफुल सिस्ट है, ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये पेनफुल सिस्ट होता है, ये हमारा जो पेनफुल सिस्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे एक्ने होता है, ये बड़े हो जाते हैं
ठीक है, तो ये तो आपको बड़ा दिख ही रहा है, ये बड़े हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे ये पे मतलब इसमें दर्द भी होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली इकने में तो दर्द नहीं होता है, पर इस इकने में यहाँ ये दर्द भी इसमें महसूस होता है कि दर्द हो रहा है हमें, और ये बड़े और हार्ड हो जाते हैं। दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम पोस्ट्यूल्स बोलते हैं, पोस्ट्यूल्स। तो ये जो पोस्ट्यूल्स होते हैं ये हमारे जो जैसे पैपूल्स होता है ये छोटा होता है और रेड कलर का होता है, जबकि ये पोस्ट्यूल्स होते हैं ये हमारा छोटा सा होता है पर इसमें पस भरा रहता है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये पस है, ठीक है, तो इसमें पस भरा हुआ रहता है। इसके अलावा आपको लम्स देखने को मिल सकते हैं, लम्स हम फोड़े को कहते हैं। तो जब जो हमारा पेनफुल सिस्ट रहता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो इस केस में ये हमारे फोड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम कुछ प्रिकॉशंस के बारे में या बचाव के बारे में, तो कैसे हमें बचना है, पिंपल्स हमको होने नहीं देना है। तो उसके में सबसे पहले आप अपने फेस को, चेहरे को 4 से 5 बार डेटॉल सोप के द्वारा धोइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उस केस में आप वहाँ पे जॉनसन बेबी जो सोप आता है, बच्चों वाला जो जॉनसन बेबी सोप आता है, आप उसका यूज़ करिए, ये आपके पिंपल्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप ऑयली प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं या ऑयली फूड्स जितने होती हैं उनको अवॉइड करिए, और मिठाई स्वीट्स जो इतनी होती हैं उसको भी अवॉइड करिए, क्योंकि ये भी पिंपल्स को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पिंपल्स हैं, पिंपल्स जो हैं उसको पंक्चर ना करिए, आपको पंक्चर नहीं करना है, मतलब फोड़ना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि जो पिंपल्स हो गए तो उसको फोड़ते रहते हैं, तो उसको फोड़ना नहीं है। इसके फोड़ने से क्या होगा, जो जो भी इसमें भरा रहेगा इन्फेक्शन, तो उसके कारण क्या होता है, जहाँ जहाँ पे ये लगेगा तो वहाँ वहाँ पे भी इन्फेक्शन या पिंपल्स होने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद जो भी पसीना वगैरह है उसको आप मुंह धुल लीजिए, या तो चेहरा धुल लीजिए, या अगर धुल नहीं रहे हैं तो वहाँ आपको उसको साफ कर लेना है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस केस में ऑयली स्किन पे आपको जेल वगैरह या सॉल्यूशन वगैरह लगाना है, जबकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस केस में आप वहाँ पे लोशंस का या क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको एक्ने हुआ है वहाँ पे आप इसका प्रयोग करिए, जबकि एक्ने के चारों तरफ जितनी भी स्किन है वहां पे पूरी तरफ लगाइए, क्योंकि वो भी एरिया ऐसा है कि जहाँ पे एक्ने डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आपको वहां पे पूरी जगह पे सोप वगैरह लगाना है, जो भी आप लगा रहे हैं क्रीम वगैरह। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसका इलाज क्या है एक्ने का। तो अगर एक्ने आपको हुआ है और छोटे छोटे लाल कलर के दाने निकले हैं छोटे छोटे, तो उस केस में ये पैपुल्स का इलाज के लिए आपको वहाँ पे क्लियर सिल्क क्रीम आती है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जहाँ जहाँ पे पिंपल्स हुआ है। इसके अलावा अगर क्लियर सिल्क क्रीम नहीं मिलती है तो उस केस में आप वहाँ पे जो रेटिनो ए क्रीम आती है इसको आप लगा सकते हैं। इसमें जो हमारा सॉल्ट होता है वो होता है हमारा ट्रेटिनोइन। तो ट्रेटिनोइन जो होता है यह क्या करता है, जो जो भी हमारे ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं इनको ब्रेक कर देता है, मतलब तोड़ देता है, और जो भी उसमें मटेरियल भरे रहते हैं उसको बाहर कर देता है और इसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाना है, जो तो आपको जो भी अपनी रेटिनो ए क्रीम है उसको आप 6 सप्ताह तक लगाना है आपको अल्टरनेट डेज पे, तो मतलब अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के लगाना है, हर एक दिन छोड़ के, दूसरे दिन नहीं लगाया, तीसरे दिन लगाना है, ऐसे चौथे दिन नहीं लगाना, पांचवें दिन लगाना है, मतलब एक एक दिन छोड़ के आपको अप्लाई करना है और रात को अप्लाई करना है इसको। ठीक है, और इसको रात को अप्लाई करना है, और अगर आप दिन में लगाते हैं इसको, दिन में लगा लिए गलती, तो आपको इसको लगा के सनलाइट में नहीं जाना है, नहीं तो ये रिएक्शन कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आप वहाँ पे हमारा एक क्रीम आता है परसॉल एसी जेल, ठीक है, तो परसॉल एसी जेल का यूज़ कर सकते हैं आप, जिसमें हमारा सॉल्ट रहता है बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेंजोइल पर ऑक्साइड क्या करेगा, ये जो भी हमारे बैक्टीरियाज रहते हैं स्किन में, तो बेंजोइल पेरोक्साइड जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं उनको ये मार देता है स्किन पे, और एक्ने या पिंपल्स को ठीक करता है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, इसको आपको अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे पिंपल्स हुआ है, उसके बाद 15 मिनट बाद आपको इसको धुल लेना है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम पोस्टुल्स की। तो अगर आपको एक्ने हुआ है, उसमें पस भरा हुआ है, उस केस में आपको क्लियर जेल आता है जिसमें क्लिंडामाइसिन होता है। ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है जो जो कि बैक्टीरिया को मारेगी, ठीक है। तो इसको आपको अप्लाई करना है अपने जहाँ पे एक्ने हुआ है, तो उस केस में क्लिंडामाइसिन या क्लियर जेल के नाम से आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ये ट्यूब आती है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपको दो दो बार लगाना है, सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लगातार। इसके अलावा क्लियर जेल के अलावा आप परसोल ऐसी क्रीम लगा सकते हैं जिसमें आपको बेंजोइल परऑक्साइड मिलेगा, ये सॉल्ट होता है। इसको आपको अप्लाई करना है और 15 मिनट बाद धुल लेना। ये आपको परसोल एसी के नाम से मिल जाएगा, ठीक है, परसोल एसी बेंजोइल पराक्साइड है। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक एक और खानी है, ये तो लगाने वाली है, ये खाने के लिए कैप्सूल जो कि हमारी डॉक्सीसाइक्लिन है। ये आपको डॉक्सी 1 के नाम से मिल जाएगी, जैसे भी यहाँ पे दिया है, तो डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्सी 1 के नाम से मिल जाएगी। इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस भी रहते हैं, तो इसको आपको एक बार खाना है दिन में 2 महीने के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या क्या था आपको। अगर आपका पैप्यूल्स है, छोटे छोटे दाने निकले, तो उस केस में आप वहाँ पे क्लियर सिल्क क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लियर सिल्क यू क्रीम का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे आपको हमारा रेटिनो एक क्रीम है, उसका यूज़ करनी है अल्टरनेट डेज पे, नाइट में, रात में यूज़ करिए उसको। लगभग हमको इसका यूज़ करना है 6 वीक तक, ठीक है। इसके अलावा आप परसॉल एसी जेल का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पेपल्स की बात होगी। अगर पस्टुल्स हैं, पस्टुल्स मतलब अगर आपके जो दाने हैं उसमें पस भरा हुआ है, तो उस केस में आपको वहाँ पे क्लिंडामाइसिन का जेल आता है, क्रीम आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। दिन में 2 बार उसको लगाइए। और इसके अलावा आप परसोल ऐसी क्रीम जो आती है वो भी लगाइए, उसको अप्लाई करिए चेहरा धुलने के लिए। एक बार लगाइए उसको और 15 मिनट बाद धुल लीजिए। इसको आपको दिन में एक बार लगाना है। जबकि एंटीबायोटिक जो खाने के लिए उसको उसमें आपको खाना है डॉक्सीसाइक्लिन, ये डॉक्सी 1 के नाम से मिल जाएगी आपको। इसको आप लगभग 1 से 2 महीने तक खाइए दिन में एक बार। इसके अलावा अगर आपको आपके फीट पे ये मुहासे या एक्ने वगैरह है, तो उस केस में आप एरिथ्रोमाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं, ओरली टैबलेट ले सकते हैं उसकी, दिन में एक बार खाइए उसको। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।